हाय प्यारे मित्रों हाय फ्रेंड्स सबसे पहले मेरे इस चैनल पर आप सभी का फूलों से और तिलक लगा के स्वागत है इस क्लास का जो टाइटल है उस टाइटल का नाम है डू यू नो डू यू नो पार्ट वन याद रखिएगा डू यू नो पार्ट वन अभी तो पार्ट एक है पार्ट बहुत सारे आएंगे पहला क्वेश्चन ये कि डू यू नो जो है इसका नाम डू यू नो पार्ट वन क्यों रखा क्योंकि हम कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी को डिस्क्राइब करेंगे

क्लियर टंग का जो अपेरेंस है यह अपेयरेंस आपको स्ट्रॉबेरी जैसा दिख रहा है क्लियर नॉर्मली आपकी और मेरी जो टंग है यह स्ट्रॉबेरी फॉर्म में नहीं होती है क्योंकि हमारी टंग नॉर्मल है नॉर्मल टंग के अंदर जो पेपिला होते हैं जो कि स्मॉल पेपिला स्ट्रक्चर्स रहते हैं ठीक है स्मॉल जो पेपी पेपिला सेंसर्स रहते हैं ये पिंक और व्हाइटिश लाइट पिंक और लाइट व्हाइटिश कलर के होते हैं लेकिन टंग के अंदर क्लियर ये नॉर्मल साइज में होते हैं पिंक होते हैं व्हाइट होते हैं व्हाइटिश पिंक कलर के होते हैं लेकिन यदि इसके अंदर इन्फेक्शन आ जाए ओरल कैविटी का इन्फेक्शन हो बकल म्यूकस का इन्फेक्शन हो टंग का इन्फेक्शन हो और कोई स्किन इन्फेक्शन रिलेटेड इंफेक्शन यदि अंदर ग्रोथ करता है तो इस तरह के इन्फेक्शन से टंग हो जाएगी एनलार्ज कैसी हो जाएगी एनलार्ज दूसरा इसके जो पेपिला है वो enlarge हो जाएंगे उनका जो कलर है कलर का आएगा जैसा कलर इसका रहेगा और इस कारण टंग का अपेयरेंस जो है वो स्ट्रॉबेरी जैसा होगा और इसी कारण से इस मेडिकल कंडीशन का नाम है स्ट्रॉबेरी टंग क्लियर सेकेंड सेकेंड टॉपिक है Geographical tongue. What is the geographical? I am not talking about the strawberry tongue. I am talking about the geographical tongue. What is the geographical tongue? जियोग्राफी इज रिलेटेड टू द ज्योग्राफी क्लियर आप यदि पृथ्वी का नक्शा देखते हो उसमें अलग अलग देशों के नक्शे आपको दिखते हैं जब आप पेशेंट की टंग देखोगे पेशेंट की टंग पर भी आपको अलग अलग देशों के नक्शे दिखेंगे ऐसा लगेगा कि ये लैंडमार्क कोई जमीन का कोई नक्शा है क्लियर और उस शब्द से यहाँ पे आया है जियोग्राफिक टंग अब दूसरा क्वेश्चन ये कि इस टंग के अंदर इस तरह का जियोग्राफिकल पैटर्न क्यों बन जाता है ये पैटर्न है सर फंगल इन्फेक्शन का ये फंगल इन्फेक्शन के कारण से आपके जो टंग है वो कैसे हो रहे हैं कि आपके जो टंग है वो फंगल इंफेक्शन के कारण से या इसका जो अपेरेंस है वो ओरल थ्रश जैसा हो गया है या फिर ज्योग्राफिकल टंग जैसा हो गया है ओरल थ्रश ओरल थ्रश एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फंगल इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और जैसा कि आप देख रहे हो वैसा ही पैटर्न आपको ज्योग्राफिकल टंग में देखने को मिलेगा दूसरी चीज़ ये कि मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन है जो कि ज्योग्राफिकल टंग क्रिएट कर सकता है कैंडिडा एल्बिकेंस हो गया ठीक है कैंडेडी इस तरह के और आप यदि देखते हो आईसीयू के अंदर जो पर्सन जो पर्सन ब्रश नहीं कर सकते हैं टूथपेस्ट नहीं कर सकते हैं अनकॉन्शियस हैं क्लियर तो आप उनको क्लोरहैक्सीडेंट से माउथ वॉश करोगे क्लियर से माउथ वॉश करोगे क्यों करोगे ओरल इंफेक्शन ना हो जाए स्ट्रॉबेरी टंग ना हो जाए या ज्योग्राफिकल टंग ना हो जाए फंगल इंफेक्शन ना हो जाए ओरल इंफेक्शन ना हो जाए इसी कारण से इस और जो पैटर्न है पैटर्न को देखते हुए ज्योग्राफिकल टंग थर्ड टॉपिक लेंगे हम राइस वाटर डिजीज या अपन कह सकते हैं कि राइस वाटर स्टूल जिस तरह के ये पेशेंट के स्टूल का सैंपल है क्लियर और पेशेंट के स्टूल का जो सैंपल है ये आपको स्टूल जैसा नहीं दिख रहा है ये राइस वाटर जैसा दिख रहा है, है. क्यों हो रहा है पेशेंट का स्टूल जो येलो कलर का और सॉलिड फॉर्म में आना चाहिए सेमी सॉलिड फॉर्म में आना चाहिए वो येलो ना के व्हाइट आएगा और लिक्विड फॉर्म में आएगा क्लियर क्यों आ रहा है क्योंकि इसके अंदर म्यूकोसा ध्यान रखना सुनना इसके अंदर म्यूकासा एपिथिलियल सेल्स और बैक्टीरिया का प्रेजेंस होना म्यूकोसा और है जिसको अपन एसियटिक कोलेरा या डिसेंट्री जैसी जो कंडीशंस रहती है डिसेंट्री डिसेंट्री एसियटिक कोलेरा इस तरह के पेशेंट्स जो रहते हैं उनका स्टूल फॉर्म कैसा रहता है राइस वाटर स्टूल क्लियर नेक्स्ट नेक्स्ट हम लेंगे फार्मर्स लंग व्हाट इज द फार्मर्स लंग डू यू नो व्हाट इज द फार्मर्स लंग क्लियर फार्मर्स लंग क्या है पेशेंट के लंग्स जब एलर्जिक सब्सटेंसेस से हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं रिएक्शन शो करते हैं जैसे कि डस्ट पार्टिकल से रिएक्शन होना क्लियर घास फूस चारा पेस्टिसाइड्स दवाइयां खेत में छिड़कने की दवाइयां इन सब चीजों से यदि पर्सन को इरिटेशन होगा एलर्जी होगा लंग्स से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन फॉर्म शो करेगा और उसे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स क्रिएट करेगा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी ये जो पर्टिकुलर मेडिकल की कंडीशन है इस पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन को अपन कहेंगे फार्मर्स लंग्स क्योंकि फार्मर एक किसान जो है उसकी लाइफ स्टाइल ऐसी ही रहती है वो डस्ट पार्टिकल के इर्द गिर्द घूमता रहेगा या फिर घास फूस चारा ये उसके रोज डेली लिविंग वर्क का एक भाग है तो उस कारण से इसका नाम क्या रखा गया है फार्मर्स लंग्स डिजीज़ इसका दूसरा नाम भी है जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे ओके okay? नेक्स्ट हम कंडीशन लेते हैं वॉशर हैंड वॉशर हैंड मतलब कि धोबी के हाथ जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हो इसमें जो हैंड है इन हैंड के अंदर इन्फेक्शन होने के कारण से ये हैंड का अपेयरेंस धोबी के हाथों जैसा हो गया है हैंड का कैसा हो गया वॉशरमैन जैसा हो गया है क्लियर और वॉशरमैन हैंड भी होता है और यदि ये इंफेक्शन बढ़ता है पैर में भी ये इन्फेक्शन यदि आ जाए तो वॉशरमैन फिट के नाम से भी आपको सिम्टम देखने को मिल सकता है वट इज द वॉशरमैन हैंड इट इज द इन्फेक्शन एंड वॉशरमैन हैंड लाइक अपेयरेंस That is called washerman hand. लेकिन ये इन्फेक्शन क्यों होता है ये infection होता है फाइलेरिया का. किसका इन्फेक्शन होता है डिजीज का. का नाम है तो फाइलेरियासिस का बेस्ट क्लासिकल जो साइन एंड सिम्टम है वो हैंड है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं कि वॉट इज द वॉशरमैन हैंड तो आपका आंसर होना चाहिए फाइलेरियासिस

इन्फेक्शन के कारण से इंजुरी दिख रही है क्लियर ये इंफेक्शन क्यों आया ये इन्फेक्शन आया सर फंगल इन्फेक्शन के कारण से इन्फेक्शन क्यों आया फंगल इन्फेक्शन और ये फंगल इन्फेक्शन का एग्जाम्पल हम लेंगे टिनिया पेडिस दिस इज द इन्फेक्शन ऑफ द टिनिया पेडिस टिनिया पेडिस के इन्फेक्शन होने से इसका जो लेग है पेशेंट का लेग है वो एथलेट खिलाड़ी के पैर जैसा हो गया है दिन भर मिट्टी में घूमने वाला पानी में घूमने वाला पैर हो गया है इसका दूसरा सिम्टम यह है कि ये जो लेग है इस लेग को पेशेंट टाइट फिटिंग शूज में नहीं डाल सकता है मतलब कि इस तरह के जो पेशेंट हैं ये पर्सन टाइट फिटिंग वाले शूज नहीं पहन सकते यदि पहनते हैं तो उनको स्वेटिंग का सिम्टम मिलेगा उनको पैरों में बहुत सारी स्वेटिंग आएगी इरिटेशन होगा क्लियर इनके पैर के अंदर स्केली अपेरेंस आएंगे जैसे कि सोरियासिस के अंदर स्केली पपड़िया बन जाना क्लियर तो ये जो स्केली अपेरेंस है ये पैर में भी इनके आएंगे एथलेट फिट इन्फेक्शन के अंदर क्लियर पेडिस के इन्फेक्शन के अंदर और इस पेडिस के इन्फेक्शन में पेशेंट का लेग जो है इन्फ्लेम्ड हो जाएगा इरिटेटिव हो जाएगा टाइट शूज में नहीं जा सकता है और स्वेटिंग क्रिएट करेगा और जो स्केली अपेरेंस है वो स्केली अपेरेंस इसको इचिंग क्रिएट करेगी इरिटेशन करेगी और बर्निंग का सिम्टम भी क्रिएट करेगी इचिंग इरिटेशन बर्निंग क्यों हो रहा है स्केली अपेरेंस स्केली फॉर्मेशन के कारण से अपर स्किन का लेसरेशन होने के कारण से क्लियर नेक्स्ट कंडीशन हम लेते हैं पोटेटो नोस यहां पर आपको तीन पर्सन के नोस दिख रहे हैं फर्स्ट जो डायग्राम है इस तरफ वाला जो डायग्राम है ये आपको नॉर्मल नोस है सेकंड जो है ये पोटेटो नोस है और थर्ड जो मेल पेशेंट है ये भी पोटेटो नोस है तो इस तरह से जो आपको पोटेटो नेचर के पोटेटो पैटर्न के जो नोज दिख रहे हैं ये भी एक मेडिकल कंडीशन है अक्सर कंपिटेटिव में पूछा जाता है वॉट इज द पोटेटो नोज विच कंडीशन इज रिलेटेड टू द पोटेटो नोज तो आपका आंसर जो है वो होना चाहिए राइनोफाइमा आंसर क्या होना चाहिए राइनोफाइमा जी हाँ ये राइनोफाइमा के इस तरह से कंडीशन है राइफोमा राइनोफाइमा एक स्किन इन्फेक्शन है नेजल स्किन जो है वो इन्फेक्ट हो जाएगी इसमें पोटेटो जैसे प्रोमिनेंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे लार्ज नोज रेड नोज बम्पी नोज और बल्बस नोज इस तरह के पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे और ये नोज के अंदर स्पेशली होता है और नोज के ऊपर होता है जो आप डायग्राम में देख रहे हो लेकिन स्किन इन्फेक्शन है राइनो फाइमा पोटेटो नोस क्लियर नेक्स्ट और लास्ट है राइस ईटर डिजीज व्हाट इज द राइस ईटर डिजीज राइस ईटर डिजीज जो है वो होगा आपके बेरी बेरी को ही हम क्या कहेंगे राइस इटर डिजीज अब बेरीबेरी किसकी कमी से होता है बेरीबेरी विटामिन बी वन की कमी से होता है क्लियर बेरीबेरी विटामिन बी वन की कमी से होता है विटामिन बी वन का दूसरा नाम है क्लियर विटामिन का दूसरा नाम क्या है थाइमीन और डेफिशिएंसी इसका नाम है क्लियर राइस इटर डिजीज ओब्लिक बेरीबेरी ओब्लिक थाइमिन डेफिशिएंसी तीन नाम है बेरी बेरी को हम क्या कहेंगे राइस ईटर डिजीज भी कहेंगे क्यों क्योंकि पेशेंट जब कच्चे चावल खाएगा अंडर कुकड यदि राइस खाता है तो इसको विटामिन बी वन की कमी की संभावना ज़्यादा होती है क्लियर और वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और इसी कारण से जो बेरी बेरी के सिम्टम्स आते हैं ये पर्टिकुलर एक मेडिकल कंडीशन बन जाती है जिसको हम कहेंगे राइस ईटर डिजीज राइस ईटर डिजीज इज़ नॉन ऑल्सो नॉन एज द बेरी बेरी विटामिन बी वन डेफिशियंसी थाइमिन डेफिशिय क्लियर और इस तरह से आज हमने कुछ टर्मिनोलॉजी को डिस्क्राइब किया और उम्मीद है कि आपको सभी अच्छे से समझ में आ गया होगा अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो टाइटल है टाइटल था मेरा डू यू नो क्लियर तो क्या आप ये शब्द जानते थे या नहीं जानते थे क्लियर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं दूसरी चीज मैं आपसे दो रिक्वेस्ट करूंगा पहला तो ये कि चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट जो भी बैक टू बैक क्लासेज आएंगी आज हमने कुछ कंडीशंस देखी है नेक्स्ट में और नए इनोवेटिव क्रिएटिव टर्मिनोलॉजी आपके सामने लाऊंगा और डू यू नो के डायलॉग्स के साथ ही आपके सामने आऊंगा क्लियर तो बेस्ट ऑफ लक इसको रिवाइज कीजिए व्यू कीजिए देखिए शेयर कीजिए लाइक like कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करोगे तो हम नेक्स्ट डू यू नो पार्ट टू के साथ मिलते हैं थैंक यू ये जो क्वेश्चंस हैं ये टर्मिनोलॉजी है अक्सर कंपिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती है इसी तरह की बहुत सारी टर्मिनोलॉजी के साथ अपन मिलेंगे बस एक रिक्वेस्ट है आप इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और क्या करेंगे बेल आइकन को प्रेस करेंगे थैंक यू वेरी मच